कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिंक के सारे लेवल्स कंप्लीट करने की वजह से उनका विलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और ये सभी लोग बैठकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मना रहे होते हैं कि इनका विलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है पहले से। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोग्रामर आती है जो लिंक को एक न्यू मिशन देती है और उसे बताती है कि उसे टॉडविला में जाके लुई आर्मी को बचाना है और इसीलिए लिंक डिसाइड करता है कि वो अकेला जाएगा वहाँ पर टॉडविला में ताकि वो लुई आर्मी को बचा सके। लेकिन उसके लिए क्विंग यिंग और बाकी सभी उसे साथ में जाने के लिए कहते हैं लेकिन लिंक मना कर देता है और साथ में अंकल को लेके जाता है क्योंकि ये मिशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जिसके बाद ये टॉडविला में जाते हैं और वहाँ पे कुछ लोगों की फ़ोटोज़ लगी होती हैं क्योंकि वो वांटेड होते हैं और उसमें अंकल की फ़ोटो भी होती है और अनफॉर्चुनेटली सामने से बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे होते हैं। इसीलिए लिंक जो है वो अंकल का काफ़ी बुरा हाल कर देता है जिससे सोल्जर उन्हें नहीं पहचानते और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपना हुलिया बदल कर पूरे सिटी में घूम रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि उसे लुई आर्मी कहाँ मिलेगा। जिसके बाद अंकल लिंक को आइडिया देते हैं और वो उनसे एक जगह लेके जाते हैं जो कि होती है ब्रोथल। और यहाँ आने के बाद लिंक जो है वो अंकल से पूछता है कि क्या उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है कि उन्हें लुई यहाँ पर मिलेगा, जिस पर अंकल कहते हैं कि लुई तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो इसीलिए तुम मुझ पर भरोसा करो। और लिंक कहता है कि आखिर मैं इंजर्ड कब हुआ, और अंकल कहते हैं कि प्रिंसेस के यहाँ से जाने की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, मुझे पता है। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस होती है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि लिंक भी सिर्फ उसे ही देख रहा होता है। और वही लड़की लूजी होती है जिसे लिंक को बचाना होता है। जिसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जो बताती है कि लुई के साथ रहने वाला कोई एक पर्सन आज खास होगा जो एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाएगा जिसमें 5 लोग होते हैं जहाँ पर अंकल और लिंक भी होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है और वो सभी पेंटिंग उसे दे देते हैं। जिसके बाद वो लड़की उन पेंटिंग्स को लेके लुई के पास चली जाती है और वापस आकर लिंक को बताती है कि उसे लुई ने बुलाया है। जिसके बाद हमें लुई को दिखाया जाता है जिसके सामने लिंक बैठा होता है और वो उस पेंटिंग के बारे में पूछती है, जिस पर लिंक बताता है कि ये टॉडविला का फ्लैग है और वो टॉड किंग है। जिस पर लुई कहती है कि अगर वो टॉड किंग है तो आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और अगर उसने यहाँ के मिनिस्टर को इसके बारे में बता दिया तो उसका क्या होगा। जिस पर लिंग उसे बताता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पर किसी को बचाने आया है, लुई आर्मी को। और ये बात सुनकर लुई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि लुई जो आर्मी है वो उसकी पूरी फैमिली है और उसका क्लैन है। जिसके बाद लिंग जो है वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके पूरे क्लैन को यहाँ से बचा लेगा। जिसके बाद हमें अंकल की पेंटिंग को दिखाया जाता है और साथ में अंकल को भी जो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर उनकी पेंटिंग लुई को कैसे पसंद नहीं आई। और तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जो लिंग को लेके गई थी और वो अंकल को बताती है कि लिंग ने उसे बुलाया है मिस लुई से मिलने के लिए, जिसे सुनकर अंकल काफ़ी खुश हो जाते हैं लेकिन एक्चुअली में तो उन्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए बुलाया होता है। और लुई जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही होती है अपनी फैमिली के बारे में, इसलिए लिंग उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वो उसकी फैमिली को बचा लेगा। लेकिन लुई बताती है कि अगर धूमुआ वहाँ पर आ गया तो वो किसी को भी नहीं जाने देगा क्योंकि धूमुआ की वजह से ही उसका पूरा क्लैन कब्जे में है, जिस पर लिंग उसे समझाता है और धूमुआ के पास जा रहा होता है। और जब लिंग वहाँ पे पहुँचता है तो सभी लुई आर्मी के सोल्जर्स जो है वो सेल हो रहे होते हैं, जिसे देखकर लिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे बिना किसी मेहनत के सिर्फ पैसे देके उन्हें यहाँ से ले जाने का मौका मिलता है। और इसीलिए वो अंकल से काफ़ी सारे पैसे ले लेता है ताकि वो इन्हें ले जा सके, लेकिन अंकल पैसे नहीं है ये बोल के मना करने लगते हैं। लेकिन जब लिंग उन्हें खुद चेक करता है तो उनके पास बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। जिसके बाद वो धूमुआ के पास जाता है और कहता है कि उसे 100 सोल्जर्स लुई पूरी आर्मी चाहिए, जिस पर धूमुआ को शक होने लग जाता है और अंकल बताता है कि ऐसी बात नहीं है, असल में हम लोग जो है वो बिजनेसमैन हैं और हमें बहुत सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत है इसीलिए हमें ये सारे सोल्जर्स चाहिए। और वो धूमुआ के सामने अंकल जो है वो उन सभी सोल्जर्स की काफ़ी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हैंडसम है, काइंड है और हमारे काम आ सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद तो धूमुआ ही नहीं बल्कि सोल्जर्स को भी अपने आप पर गर्व होने लग जाता है और धूमुआ मान जाता है उन्हें सेल करने के लिए। लेकिन तभी बीच में से एक अंकल होते हैं, वो बोलने लग जाते हैं कि हम लुई आर्मी हैं, हमने अपने क्लैन को बचाने के लिए कितनी ज़्यादा फाइट की है और बैटल से लड़े हैं और उसके बाद भी तुम हमें सेल कर रहे हो 10 टेल में, वो भी 30% डिस्काउंट पे, कम से कम हमारे एक पर्सन पे 50 टेल तो दो। और ऐसा बोलने के बाद सभी लोग अपनी रेट बढ़ा देते हैं, जिससे धूमुआ भी काफ़ी इंप्रेस हो जाता है कि ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, ऑफकोर्स मुझे इनके ज़्यादा पैसे देने चाहिए जिससे उसके पास काफ़ी सारे पैसे होंगे और ये सब यहाँ से चले भी जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद लिंग और अंकल के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतने सारे पैसे में उन्हें खरीद सके और इसीलिए लिंग जो है वो अंकल को काफ़ी डांट रहे होते हैं कि सिर्फ 7 डेज़ में वो 1000 टेल्स कहाँ से लेके आएंगे और आखिर अंकल को इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, सीधे सीधे सेल करके हम उसे लेके जा रहे थे ना, और अब सिर्फ 7 डेज़ में वो इतने सारे पैसे नहीं ला सकते। लेकिन तभी वहाँ से एक लड़की आ रही होती है जो कि उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ, जिसे जब लिंक देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस होती है जो उनके लिए खाना लेके आई होती है, जिस पर लिंक कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा कुक भी कर लेती है।
जिस पर शूइंग बताती है कि यह रेस्टोरेंट जो है वो उसके फादर का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इसीलिए वो उसे चला रही है। जिस पर लिंक को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो रेस्टोरेंट के अंदर उससे मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, वो इस रेस्टोरेंट में क्यों रह रही है। जिस पर स्विंग बताती है कि जब वो यहाँ पर वापस आई थी तो उसकी स्टेप मदर ने उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है और सू फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ने के लिए गए क्योंकि उनके फादर की डेथ हो चुकी है और ये रेस्टोरेंट ही सिर्फ उनके नाम का बचा है जिस पर कोई भी नहीं आता। जिस पर लिंक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बुली करने की, और उन्हें सबक सिखाने के लिए जा रहा होता है लेकिन स्विंग उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि उसके फादर का रेस्टोरेंट उसके लिए सब कुछ है और उसे इसे वापस से ठीक करना है ताकि इसे लोग यहाँ पे आ सके। जिस पर लिंक कहता है कि उसने इसे टोड विला से जाने के लिए इसलिए कहा था ताकि वो यहाँ के आकर अपनी एक अच्छी लाइफ जी सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो वापस से टोड विला चले। जिस पर स्विंग मना कर देती है और कहती है कि उसे ये रेस्टोरेंट ठीक करना है। और तभी स्विंग के पास हमें एक प्रोग्रामर दिखाई जाती है जो कि लिंक के पास आई होती है ये बताने के लिए कि उसका एक नया मिशन है स्विंग के रेस्टोरेंट को बचाने का, जिससे अगर वो स्विंग के रेस्टोरेंट से बचा पाया तो स्विंग उसकी लाइफ में वापस आ जाएगी, ये एक अच्छा चांस है उसके लिए। और ये जानने के बाद लिंक जो है वो स्विंग की हेल्प करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल के पास मिस लुईस जी आती है और वो अपनी लुई आर्मी के बारे में पूछती है और अंकल बताते हैं कि दूमो जो है वो अग्री हो गया लुई आर्मी को वापस देने के लिए, लेकिन $5,200 में, और इतने सारे पैसे अभी उनके पास नहीं है। और तभी वहाँ पे लिंग आ जाता है जिसके पास लूजी जाती है और उसे कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, उस रात को तुमने मुझे प्रॉमिस किया था लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा, और उसके कंधे पे सर रख के रोने लग जाती है और इस चीज़ को स्विंग गलत समझ लेती है और उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद स्विंग के पास अंकल आते हैं और वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली में तुमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, तुमसे कोई गलती होगी उन दोनों को समझने में, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। जिस पर स्विंग मना कर देती है कि मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और तभी वहाँ पे अंकल को बहुत अच्छी स्मेल आने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है लिंक को जो कि एक डिश बना के लाता है, वो भी पूरी रेड कलर की, और कहता है कि मैंने रास्ता ढूंढ लिया है ताकि ये रेस्टोरेंट फिर से पहले जैसा हो सके। जिसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं लेकिन आज उनके शॉप पे कोई भी नहीं आया था क्योंकि लिंग ने यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाया था और स्विंग के रेस्टोरेंट में आने के लिए कहा था, जिसके बाद वहाँ पर सभी लोगों की लाइनें लग गई जिसे ली रेस्टोरेंट के जो ओनर है वो बाहर आकर देखते हैं और काफ़ी शॉक हो जाते हैं। दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान जो कि अपने पैरों से चल भी नहीं सकता था उस डिश को खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, जिसे देख के सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और इस ली रेस्टोरेंट के ओनर को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंक की बनाई हुई वो रेड कलर की डिश काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है और ये डिश कुछ और नहीं बल्कि रेड चिली से बनी होती है। रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी सारे गेम्स होते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, जिसे देख कर मिस्टर ली जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उनके पास लिंक आता है और उन्हें बताता है कि आप यहाँ पर आए हैं कुछ खाना चाहेंगे, लेकिन मिस्टर ली तो उसे कुछ कुछ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लिंग जो है वो स्विंग के पास आता है, स्विंग उस रेड फ्रूट के बारे में पूछती है और लिंग बताता है कि वो कोई रेड फ्रूट नहीं है बल्कि रेड चिली है, जिसे सुनकर स्विंग काफ़ी इंप्रेस होती है और कहती है कि सच में तुम्हारे पास काफ़ी सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं। और तभी अंकल उन्हें बताता है कि उनके पास इतने सारे पैसे हो गए हैं सिर्फ कुछ दिनों में, जिससे वो पूरी लुई आर्मी को खरीद सकते हैं। और तभी वहाँ पे लुई जी भी आती है जो इस चीज़ को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और लिंक की काफ़ी तारीफ करती है और उसे रेस्ट करने के लिए साथ में जाने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर स्विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इस चीज़ से दोनों, जिसके बाद तो लिंक जो है वो इन दोनों को देखने लग जाता है और दोनों को थैंक यू और सॉरी बोलकर वहाँ से बहाना करके जाने लगता है। और लुईसी जो है वो अभी भी स्विंग के सामने काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है लिंक की, कि वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और इन सब चीज़ों से स्विंग को काफ़ी गुस्सा आता है। और यहाँ पर मिस्टर ली के रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आता, जिस वजह से वो गुस्सा करते हुए स्विंग के रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं और एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं और अपने सर्वेंट को उनके पास भेज देते हैं ताकि वो अपने प्लान को कंटिन्यू कर सके। और उनका सर्वेंट जो है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो हमेशा उन्हें मारते और धमकाते रहता है। और अभी भी स्विंग के जो रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग होते हैं और इस चीज़ से स्विंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन होता है जो कहता है कि मुझे मेरे फूड में एक जूता मिला है। लेकिन तभी वहाँ पर लुई आता है और उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, जिसके बाद वो फिर से कोई ना कोई बहाना करने लग जाता है और उसके बाद फिर से लुई आता है और उसे हैंडल कर लेता है और उसे गिफ्ट में एक सोने की स्टिक को देता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाता है लेकिन फिर से नौटंकी स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी फिर से लुई आता है और कहता है कि उन्होंने उसके लिए स्पेशल सूप प्रिपेयर किया है, आई होप आपको अच्छा लगे क्योंकि आपके खाने में पहले जूता और कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है।
और ये सारी नौटंकी देख कर सुइंग को काफ़ी हंसी आ रही होती है और उस पर्सन का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है, बल्कि वो तो लुई से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बाहर आकर ली के रेस्टोरेंट के सामने बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, कोई भी तुम्हारे रेस्टोरेंट को ख़राब नहीं कर सकता। और ये सब सुनकर जो ली है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो रहा है, जिसके बाद वो अपने सेकंड प्लान को आजमाता है जहाँ पे वो अपने सर्वेंट को भेजता है उनके फूड में एक तरह ड्रग मिलाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे लुई आ जाता है जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिसके बाद अंकल ली जो है वो रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ पर फूड प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं और उनके पास उन्हीं का सर्वेंट आता है फूड के लेकर और वो दिखाता है कि वो पूरी तरह से अपने बॉस की साइड है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब लुई उस सर्वेंट को फूड में ड्रग मिलाते हुए देखता है तो वो उसे बहुत अच्छे से उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि तुम 10 साल से अंकल ली के सर्वेंट हो, पर उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, इनफैक्ट तुम्हें मारा, तुम मेरे साइड आ जाओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और तुम अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा यंग हो और ऐसी मिस्टेक होती रहती हैं और बहुत ही जल्द ऑटोमेट फेस्टिवल भी आने वाला है, मैं उसमें तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट भी दूंगा। और ये सब सुनकर जो अंकल ली है वो तो शॉक्ड हो जाते हैं और ड्रामा करने लग जाते हैं कि उनके सर्वेंट को आखिरकार ऐसे कैसे उसने अपनी साइड कर लिया। और उनका सर्वेंट तो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अंकल ली को मारने ही वाला होता है और बहुत मुश्किल से लुई उसे रोकता है। और यहीं पर होता है एक्सप्लेनेशन ओवर।